सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि ये जो समय है, सभी दोस्तों को पता है ना कि इस टाइम जो है डेली आपको साइंस का क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए, आ जाइए आप लोग। आ रही है वॉइस मेरी, चेक करिए सभी साथी और फटाफट से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, जनरल साइंस का क्लास इस टाइम डेली आपको कराया जाता है, तो आज भी कराया जाएगा। आप लोग अपना प्रेजेंट शो करिए, सबसे पहले जुड़ जाइए। बिल्कुल, अपना प्रेजेंट शो करिए, उसके बाद क्वेश्चन आएगा अभी स्क्रीन पर। सभी साथी जुड़ जाएंगे, अपना प्रेजेंट शो करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे अभी, साइंस के विज्ञान का ये क्लास है जो डेली रात में 9 बजे लगता है। ठीक है, बिल्कुल, अपने अपने दोस्तों को, मित्रों को पहले तो शेयर करिए क्लास को, फिर क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर अभी आपके। चलो तो डायरेक्टली क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पर। तो ध्यान दीजिए, ये नहीं पाली क्वेश्चन, देखो धीरे धीरे ही बोलूंगा क्योंकि आपको पता है तबीयत ठीक नहीं है। अभी जोर से बोलूंगा तो खांसी फिर अभी गले में खराश होने लगेगी। ठीक है, देखो सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है, बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए सभी, अब करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ। सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है, तो पिन वर्म का, ए करेक्ट आएगा पिन वर्म। आप सभी साथियों को याद रखनी है, पिन वर्म यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, आप सभी साथी याद रखिए पिन वर्म। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए लेग्यूमिनोसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य क्या उत्पादित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, देखो लेग्यूमिनोसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य क्या उत्पादन करते हैं, बताइए। लेग्यूमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं वो क्या उत्पादित करते हैं, तो दाल, याद रखिए दालें, यानी डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आ गया, दाल, याद रखिए दालों का। ठीक है, तो दाल करेक्ट आंसर आ जाएगा, दालों का, जरूर आप सभी साथियों को याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो इनमें से कौन खाने योग्य कवक है, बताइए इनमें से कौन सा एक खाने योग्य कवक है, तो अगेरिकस, ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर आ जाएगा, अगेरिकस, आप सभी साथ याद रखिए अगेरिकस, यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथ ही देख लीजिए, अगेरिकस करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, चलिए तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अब इस क्वेश्चन के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा तत्व तो पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाता है, तो याद रखना बोरोन, यहाँ बोरोन करेक्ट आ जाएगा, बोरोन याद रखिए, बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ बोरोन करेक्ट आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी खुली हवा प्रकट होने के तुरंत बाद बेकार हो जाएगी, बताइए कौन सी लकड़ी खुली हवा प्रकट होने के बाद जो है वह तुरंत बेकार हो जाएगी, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी खुली हवा में, देख लीजिए खुली हवा प्रकट होने के तुरंत बाद बेकार हो जाएगी, तो यह ध्यान दीजिए राइट आंसर आएगा वेट वुड, यानी गीली लकड़ी। ठीक है, गीली लकड़ी करेक्ट आएगा, वेट वुड जिसको बोलते हैं आप, गीली लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, नहीं पता था, कोई नहीं, आज के बाद याद रखिए वेट वुड, यह राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगली क्वेश्चन क्या आ जाएगा ये रही स्क्रीन पर, एक हवाई जहाज की लिफ्ट किस पर आधारित है, एक हवाई जहाज की जो लिफ्ट है वो किस पर आधारित है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए। बहुत ज्यादा जुकाम है यार, देखो एक हवाई जहाज की लिफ्ट किस पर आधारित है, तो याद रखिए बर्नौली प्रमेय पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, बर्नौली प्रमेय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किसके समीप नहीं रखा जाना चाहिए, तो बताइए सभी,
तो देखिए टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किसके पास नहीं रखा जाना चाहिए? तो मैग्नेट के पास यानी चुंबक के पास भी राइट आंसर आएगा, चुंबक याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का इस्तेमाल इनमें से किसके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का इस्तेमाल इनमें से किसके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो बताइए। तो याद रखिए राइट आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का इस्तेमाल किसके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सभी साथी देख लीजिए, करेक्ट आंसर आएगा वायु प्रदूषण को, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का इस्तेमाल वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, आप सभी साथी जरूर याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इनमें से कौन सा उष्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुचालक है? अब देखो राइट आंसर इनमें से कौन सा उष्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुचालक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ बताइए। एक्सलेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तो राइट आंसर यहाँ क्या जाएगा बताएंगे सभी साथी, देख लीजिए माइका करेक्ट आएगा, जिसको अभ्रक बोलते हैं आप, ठीक है। उष्मा का कुचालक लेकिन बिजली का सुचालक होता है, अभ्रक करेक्ट आएगा, अभ्रक माइका जिसको बोलते हैं, याद रखिए। एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड। अतिचालकता वह कंडक्टर है जिसका क्या शून्य होता है, बताइए। अतिचालकता वह कंडक्टर है जिसका क्या शून्य होता है, देखिए सभी करेक्ट आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो बताइए सभी साथी। अब राइट आंसर यहाँ क्या जाएगा देख लो, ठीक है। देख लीजिए राइट आंसर क्या आ जाएगा तो इस क्वेश्चन के लिए बताइए सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। देखो अति चालकता वह कंडक्टर है जिसका क्या शून्य होता है, आंसर करिए सभी। अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ देख लो, तो अब सभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो प्रतिरोध, रेसिस्टेंस करेक्ट आएगा, प्रतिरोध याद रखिए। अति चालकता वह कंडक्टर है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, याद रखिए रेसिस्टेंस करेक्ट आएगा, प्रतिरोध याद रखिए। आगे देखो लंबी अवधि, देखो लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर एक ग्रे रंग का धब्बा बन जाता है, यह इसलिए होता है, क्यों होता है बताइए। लंबी अवधि के उपयोग के बाद कोई भी बल्ब के अंदर एक ग्रे रंग का धब्बा बन जाता है, किस लिए ये होता है बताइए। देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा सभी साथी देख लो, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, देखिए ए राइट आएगा टंगस्टन फिलामेंट बाष्पित होता है और एकत्रित हो जाता है, याद रखना टंगस्टन फिलामेंट बाष्पित, देखो बाष्पित और एकत्रित हो जाता है इस कारण, ए करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर ए। एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड। देखो केवल वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा बताइए। केवल वह भाषा जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, बताइए। तो केवल वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, याद रखिए बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी भाषा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, बाइनरी लैंग्वेज करेक्ट आएगा, बाइनरी भाषा याद रखिए, ठीक है। केवल वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो बाइनरी भाषा आप सभी को याद रखनी है। बाइनरी लैंग्वेज करेक्ट आएगा, बाइनरी भाषा। ओजन परत की मोटाई किसमें मापा जाता है, तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बताइए सभी, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। ओजन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो ये याद रखिए DU यानी डॉब्सन यूनिट में, डॉब्सन यूनिट करेक्ट आएगा। आप लोग लाइव चैट से बाहर निकलकर सभी क्लास लाइक करेंगे, और देखिए जो साथी लोग पहली बार क्लास में आए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या जाएगा ये रही स्क्रीन पर। एक फोटोस्टेट मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एक फोटोस्टेट मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एक फोटोस्टेट मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है बताइए। तो देखिए फोटो स्टेट मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो जरूर आपको याद रखनी है। देखिए ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि बनाने में, तभी राइट आंसर आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि बनाने में आप सभी को याद रखनी है, ठीक है, आप सभी को जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, धारा प्रभावित होने वाले एक सीधे लंबे सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बताइए। धारा प्रभावित होने वाले एक सीधे लंबे सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आप बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ क्या जाएगा तो देख लो सभी साथी, अब करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ बताइए। एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड, आप सभी को ध्यान देना है, देख लो तो भाई करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ बताइए। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है तो सभी को जरूर ध्यान देना है। देख लीजिए अब राइट आंसर यहाँ क्या जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो बताइए, ठीक है। तो याद रखिए, देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 15, धारा प्रभावित होने वाले एक सीधे लंबे सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, राइट आंसर यहाँ क्या जाएगा बताइए सभी साथी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिए, देखो करेक्ट आंसर सभी बिंदुओं पर समान होता है, ए करेक्ट आएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है, याद रखिए। एक्सलेंट, वेरी गुड, ए करेक्ट आ गया। जब आप एक विद्युत उपकरण से जुड़े प्लग को बाहर निकालते हैं तो आप अक्सर एक चिंगारी देखते हैं, यह उपकरण के किस गुण से संबंधित है बताइए, ठीक है बताइए। बताइए चलिए तो देख लो करेक्ट आंसर अब क्या होना चाहिए यहाँ बताइए। जब आप एक विद्युत उपकरण से जुड़े प्लग के बाहर निकालते हैं तो आप एक अक्सर एक चिंगारी देखते हैं, यह उपकरण के किस गुण से संबंधित है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 16, देखिए करेक्ट आएगा कैपी, देखो कैपेसिटेंस के कारण, कैपेसिटेंस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, याद रखिए कैपेसिटेंस के कारण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। तड़ित किसके कारण होता है तो भाई बताइए, तड़ित किसके कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 17 बीबीआई क्वेश्चन है बताइए भाई, तड़ित किसके कारण होता है बताइए। तो देख लीजिए तड़ित किसके कारण होता है इस क्वेश्चन का, अब राइट आंसर क्या जाएगा बताइए सभी साथी, करेक्ट आंसर क्या है तो याद रखिए बिजली के निर्वहन के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण तड़ित उत्पन्न होता है, याद रखिए बी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचालन में मदद करता है, चलिए निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचालन में मदद करता है, क्वेश्चन नंबर 18। आप लोगों ने लाइक नहीं किया क्लास को, लाइव चैट से बाहर निकलिए, क्लास लाइक करिए, और नए साथी जो पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचालन में मदद करता है तो लिम्फोसाइट्स, याद रखिए लिम्फोसाइट कोशिकाएं ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर के डेटा, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बताइए। देखिए करेक्ट आंसर आएगा बीट, बीट करेक्ट आंसर आएगा बीट, ऑप्शन नंबर सी बीट, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, देखिए निम्नलिखित में से क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो याद रखिए एम्पिसिलिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा एम्पिसिलिन, याद रखिए आप। निम्नलिखित में से क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो एम्पिसिलिन करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किसके बनते हैं, हमारी हड्डियां और दांत जो है आमतौर पर किससे बनती है तो मैं बताइए।
हमारी हड्डियां और दांत आम तौर पर किससे बनती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आप देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ बताइए हमारी हड्डियां और दांत आम तौर पर किससे बनती है? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ए करेक्ट आ गया, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। याद रखिए हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर किससे बनती है? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से, ए करेक्ट आ गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती है? प्लीज़ आप लोग क्लास लाइक करिए, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा है, लाइव चैट से बाहर निकलते ही क्लास को लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। भाई किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती है? ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर क्या आएगा। हार्ट अटैक करेक्ट आएगा, दिल का दौरा। पुरुषों से देखो, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं, याद रखिए। हार्ट अटैक करेक्ट आएगा, दिल का दौरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए एक नेबल कितने बिट्स के बराबर होता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, एक नेबल कितने बिट्स के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 23। अब की बार एग्जाम पार, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रिस्पांस, बहुत ही अच्छी तैयारी। कुछ भी हो जाए एग्जाम निकालना इस बार, इतना इस बार आप जरूर करोगे। देखिए एक निबल कितनी बिट्स के बराबर होता है? तो चार, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, चार। एक निबल कितनी बिट्स के बराबर होती है? तो चार बिट्स के बराबर है। एक लंबी कूद में व्यक्ति कूदने से पहले दौड़ता है क्यों? अच्छा, लॉन्ग जंप, देखिए देखा है ना आपने पुलिस का जो फिजिकल होता है तो उसमें लॉन्ग जंप हाई जंप कराया जाता है। तो लॉन्ग जंप जब करता है, लंबी कूद जब कोई कूदता है, ठीक है, उससे पहले वो दौड़ के आता है, उसके बाद कूदता है, क्यों? संवेग प्राप्त करने के लिए। याद रखिए एक लंबी कूद में व्यक्ति कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि वह संवेग प्राप्त करता है। याद रखिए डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। एक जेट इंजन संरक्षण, देखो एक जेट इंजन संरक्षण नियम पर कार्य करता है, कौन से संरक्षण नियम पर बताइए? एक जेट इंजन संरक्षण नियम पर कार्य करता है, देखो क्या क्या आंसर आएगा सभी साथी। एक जेट इंजन, तो याद रखिए रेखीय संवेग, ठीक है, लेनियर मोमेंटम करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ लेनियर मोमेंटम करेक्ट आएगा, रेखीय संवेग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन, चुंबकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल किस श्रेणी में आते हैं? तो भाई बताइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लो सभी, क्या आंसर आएगा बताइए। तो चुंबकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल ये किस श्रेणी में आते हैं? देखिए सभी करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, यानी गैर संपर्क बल के अंतर्गत, ए करेक्ट आएगा, गैर संपर्क बल। सभी याद रखिए गैर संपर्क बल, ठीक है, ए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है बताइए? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? तो आप बताइए सभी, क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर यहाँ किया जाएगा, बताइए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? ध्यान दीजिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? तो कोर के अंदर चलने वाला करंट के कारण, ए करेक्ट आएगा, कोर के अंदर चलने वाला करंट, ए करेक्ट आ गया। एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड, आप सभी साथियों को याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखिए, वेरी गुड। चलो तो आगे देखिए क्वेश्चन, न्यूक्लियन एक सामान्य नाम है किसका बताइए? न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? आप लोगों ने शेयर नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं करा है, यार देखिए लाइव चैट से बाहर निकलिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी साथियों से बोल रहे हैं लाइव चैट से बाहर निकल कर क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर कोई भी साथी आज पहली बार आए हैं क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। न्यूक्लियन एक सामान्य नाम है किसका? तो याद रखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, डी करेक्ट आ गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, किसको? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, आप सभी साथ ही याद रखना, ओके गुड, वेरी गुड। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए?
देख लो, यांत्रिक शक्ति का ऐसा इकाई क्या होता है? 29 क्वेश्चन नंबर बताएंगे सभी साथी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी देख लीजिए। यांत्रिक शक्ति की ऐसा इकाई क्या होता है? तो याद रखिए, नहीं पता था तो वाट करेक्ट आ गया। मंजू गुप्ता, अनुराधा कुमार, आशीष यादव जी, दीपक सुबोध, अनुज पांडे, दिव्यांशी मोबाइल, करेक्ट आ गया। देखो वाट, बी राइट आंसर आ गया वाट। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस गैस का उत्पादन ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण किया जाता है? किस गैस का उत्पादन ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण किया जाता है, यानी जब ईंधन आधा जलता है ना, तब वो गैस उत्पन्न होता है, बताइए कौन सा गैस है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा साथियों। काफी जहरीला गैस होता है जब ईंधन पूरा नहीं जलता है, ईंधन के आधे जलने से ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, ठीक है? तो बी राइट आंसर आ गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सी प्रक्रिया वर्षा के लिए जिम्मेदार है, अब बताइए। लगता है मेरे बॉडी से फीवर अभी छूटा, क्योंकि जस्ट क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले मैंने मेडिसिन लिया था, उससे पहले फीवर था और अभी देखो पसीना पसीना हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि फीवर जो था वो हट गया, मेडिसिन काम किया अभी, ठीक है? पूरा पूरा पसीना पसीना हो गए हैं, जबकि इससे पहले ठंडा लग रहा था। क्लास कराने से जस्ट पहले मेडिसिन लिए थे और अभी पूरा पसीना पसीना होता है ना जब आपको फीवर आता है, और जैसे ही फीवर छूटता है तो क्या होता है, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं, गर्मी लगने लगता है ना? वही मुझे भी लग रहा है, पूरा भींग गया यार टी शर्ट मेरा। देखिए अब देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा के लिए जिम्मेदार है, बताइए। तो अब देखिए राइट आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा के लिए जिम्मेदार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी देख लीजिए। परवेश कुमार जी, 20 दिन तक रहेगा बुखार, पता नहीं 3-4 दिन तो हो गया, आ रहा है फिर चला जा रहा है, मेडिसिन ले रहे हैं फिर चला जा रहा है फिर आ जा रहा है। देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बाष्पीकरण और संघनन, या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। कौन सी प्रक्रिया वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो वाष्पीकरण और संघनन करेक्ट आ गया। आगे देखिए लेक्रेटिडे किसका वैज्ञानिक नाम है, तो भाई लेक्रेटिडे या लेक्रेटिडे यह किसका वैज्ञानिक नाम है, बताइए। तो भाई देखो लेक्रेटिडे किसका वैज्ञानिक नाम है, तो याद आपको रखनी है सभी साथी, ध्यान दीजिए, छिपकली का, लिजार्ड करेक्ट आएगा, छिपकली, ठीक है। लेक्रेटिडे किसका वैज्ञानिक नाम है, तो छिपकली का, छिपकली राइट आंसर आएगा। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, भाई इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, सभी साथी ध्यान से, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो HTML करेक्ट आएगा, बाकी सिम्बियन, iOS, एंड्रॉयड, ये सभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लेकिन HTML नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये रहा किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग, ठीक है, यानी सार्स गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारण बनता है। अब देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो बताइए किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग सार्स का कारण बनता है, तो यह याद रखिए करेक्ट आएगा वायरल, ए करेक्ट आएगा वायरल। याद रखिए, देखो किसी झील या पानी के अन्य निकाय में पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि को क्या कहा जाता है, तो भाई ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, देख लीजिए। प्लीज आप लोग क्लास लाइक करिए साथियों, लाइव चैट से बाहर निकलिए, बहुत कम लाइक्स दिख रहा है क्लास में, लाइक तो होना चाहिए ना, सभी साथी करिए, लाइव चैट से बाहर निकलिए, क्लास लाइक कर दीजिए, और अगर कोई साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो किसी झील या पानी के अन्य निकाय में पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए सभी करेक्ट आंसर आ जाएगा यूरो, देखो यूट्रोफिकेशन, बिल्कुल यूट्रोफिकेशन करेक्ट आएगा, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आ गया, यूट्रोफिकेशन करेक्ट है, देख लीजिए सभी, एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड। आगे देखिए एस्पिरिन की खोज किसने करी थी, एक मेडिसिन है ना साथियों एस्पिरिन, बताइए इसकी खोज किसने करी थी, सभी साथी लाइव चैट से बाहर निकलकर क्लास लाइक करेंगे, बताइए एस्पिरिन की खोज किसने करी थी।
तो आंसर करिए, एस्पिरिन की खोज किसने करी थी? देखो करेक्ट आंसर आएगा फेलिक्स हॉफमैन ने। तो फेलिक्स हॉफमैन करेक्ट आ गया, डी ऑप्शन नंबर। एस्पिरिन की खोज किसने करी थी? फेलिक्स हॉफमैन ने। याद रखिए डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आ गया, फेलिक्स हॉफमैन। किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था? बाप रे बाप यार, जुकाम परेशान करके रखा है यार। देखो किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था, बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आप देख लो। तो देखो सेल्डन और सान ने, सेल्डन और सान यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए सेल्डन और सान ने, ए राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बस आप लोग लाइक कर दीजिए सभी मिलकर, लाइव चैट से निकल कर सभी क्लास को, ठीक है। आगे देखिए अगली क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये रहा सीमेंट। देखो इनमें से कौन सीमेंट की स्थापन दर को बढ़ाता है, बताइए भाई, सीमेंट की स्थापन दर को कौन बढ़ाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 साथियों ध्यान दीजिए, क्या आंसर हो सकता है अब इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए सभी साथी, राइट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान दीजिए, कौन सीमेंट की स्थापन दर को बढ़ा देता है? तो याद आपको रखनी है जिप्सम, करेक्ट आ गया, सी ऑप्शन नंबर राइट है, जिप्सम करेक्ट आ गया। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जिप्सम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अल्केन्स पहले किस रूप में जाना जाता था, बताइए अल्केन्स पहले किस रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी साथी ध्यान दीजिए, अल्केन्स पहले किस रूप में जाना जाता था भाई, बताइए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 39, अल्केन्स पहले किस रूप में जाना जाता था? तो ओलिफिन के नाम से, ओलिफिन्स। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना आपको, ओलिफिन्स करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओलिफिन्स के नाम से पहले जाना जाता था अल्केन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश का प्रयोग करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, बताइए। देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, बताइए। भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश का प्रयोग करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो स्वपोषक करेक्ट आएगा, ए ऑप्शन नंबर देख लीजिए, स्वपोषक यहाँ राइट आंसर आ गया, वेरी गुड। आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, देख लीजिए। बी मिश्रा जी, बिल्कुल यार, आप लोग सभी लाइक तो कर दीजिए साथियों क्लास को यार। देखिए करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो याद आपको रखनी है टिम बर्नर्स-ली, बी राइट आंसर आ गया, टिम बर्नर्स-ली करेक्ट आ गया, वेरी गुड। आगे देखिए, देखो रोंटेडिया मुरीडे ये किसका वैज्ञानिक नाम है, बताइए। रोंडेटिया मुरीडे किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए सभी, क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों ने शेयर नहीं किया आज क्लास को, यार शेयर तो करिए, कुछ दोस्तों को तो जोड़ो यार कम से कम आप लोग क्लास को, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ सको आप क्लास शेयर करिए, नंदनी, अनुज पांडे, सोनू, सनी सोनकर। तो रोडेटिया मुरीडे ये किसका वैज्ञानिक नाम है, देखिए राइट आंसर क्या जाएगा। तो याद रखिए मूस का, माउस, ठीक है, माउस का ये वैज्ञानिक नाम है, याद रखना। आगे देखिए, कौन सी कोशिका पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों में वृद्धि करती है, बताइए भाई, कौन सी कोशिका पौधे में विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों में वृद्धि करती है? तो मैच्योर यानी परिपक्व, याद रखिए परिपक्व, याद रखिए, ठीक है। कौन सी कोशिका, मैच्योर कोशिका जो होती है ना, परिपक्व, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी कोशिका पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों में वृद्धि करती है? अब देखिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बताइए। कौन सी कोशिका पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों में वृद्धि करती है? तो याद रखिए मरमेश, देखो मरमेश टेमेटिक, याद रखना मरमेश टेमेटिक यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है, मरमेश टेमेटिक यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। HTTP का फुल फॉर्म कंप्यूटर के संदर्भ में क्या होता है, बताइए। तो कंप्यूटर विज्ञान में HTTP किसका पूर्ण रूप है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी करेक्ट आ गया, देख लीजिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
यहाँ राइट आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखिए क्वेश्चन, गैर हरे पौधों में निम्न में से कौन सी चीज की कमी होती है? अच्छा, जो हरे पौधे नहीं होते हैं ना, गैर हरे पौधे यानी जो पौधा हरे रंग का नहीं होता है, उसमें इनमें से किस चीज की कमी होती है? सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल की कमी होगी, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण पौधा हरा होता है, और जो पौधा हरा नहीं होगा उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, ये करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल एफएम का फुल फॉर्म होता है, और एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था बताइए। आप लोग लाइक जरूर करिए क्लास को, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, सभी साथी लाइक शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने एफएम का आविष्कार किया था। एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग, ए करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? भाई पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है बताइए। तो देख लीजिए, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो जीरो, बिल्कुल शून्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आप लोग जरूर लाइक करिए, लाइव चैट से बाहर निकलिए और क्लास लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। पानी के टर्बाइन का आविष्कार किसने किया था बताइए सभी साथी। तो भाई पानी के टर्बाइन का आविष्कार किसने किया था, देखो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बताइए। तो देखिए, बेनोइट फोरनेरोर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा यहाँ, बेनोइट फोरनेरोर, याद रखिए डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है यहाँ। पानी के टर्बाइन का आविष्कार बेनोइट फोरनेरोर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, एक ट्रेन की गति किसका उदाहरण है बताइए, एक ट्रेन की गति जो है वो किसका उदाहरण है? भाई क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान दीजिए, एक ट्रेन की गति किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, देख लीजिए, रेक्टिलिनियर गति ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। आगे देखिए, एनोना रेटिकुलता किसका वैज्ञानिक नाम है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एनोना रेटिकुलता ये किसका वैज्ञानिक नाम है बताइए। तो कस्टर्ड एप्पल जिसको शरीफा बोलते हैं आप, कस्टर्ड एप्पल शरीफा का वैज्ञानिक नाम है साथियों, एनोना रेटिकुलता, यानी ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, वेरी गुड। कस्टर्ड एप्पल का यानी शरीफा, ये राइट आंसर आ गया, वेरी गुड। आगे देखिए, देखो इनमें से कौन एक तरंग की प्रति इकाई क्षेत्र में तरंग की यात्रा की दिशा में लंबवत ऊर्जा के हस्तांतरित की दर है बताइए। इनमें से क्या एक तरंग की प्रति इकाई क्षेत्र में तरंग की यात्रा की दिशा में लंबवत ऊर्जा के हस्तांतरण की दर है? तो याद रखिए सभी साथी, करेक्ट आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी, यानी तीव्रता करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीव्रता एक तरंग की प्रति इकाई क्षेत्र में तरंग की यात्रा की दिशा में लंबवत ऊर्जा के हस्तांतरण की दर होती है। याद रखिए, सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति ओर्का है, जिसे और क्या कहा जाता है? देखो सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति का नाम है ओर्का, ठीक है, जिसे और क्या कहा जाता है बताइए। तो किलर व्हेल, ठीक है, किलर व्हेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, किलर व्हेल सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति है ये ओर्का, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो किलर व्हेल भी कहा जाता है, याद रखना। आगे देखिए, एयरबैग का आविष्कार किसने किया था बताइए एयरबैग क्या होता है समझ रहे हो ना, मोटर कार जो होता है ना, कार के आगे एक स्टेयरिंग पे और एक आगे अगले फ्रंट साइड में आगे सीट पर जो आपके बगल में एक बैठता है कोई भी, ठीक है, वहाँ पर डैशबोर्ड जो होता है ना कार का, एक तो स्टेयरिंग में जो ड्राइवर होता है उसके लिए, और एक डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड में, अगर गाड़ी आप तेज चला रहे हैं और अगर बाय द वे भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कहीं से टक्कर लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है, एयरबैग निकलता है, ठीक है, एयरबैग निकल के आपको वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एयरबैग मतलब कि गुब्बारे के जैसा फूल कर वो आपके बॉडी पे आ जाता है, जिससे कि आपको चोट ना लगे, ठीक है, आपका सर स्टीयरिंग से ना टकराए और जो आपके बगल में बैठे उसका जो सर है वो डैशबोर्ड पे ना टकराए,
ये बचाव के लिए होता है, ठीक है, ये कार में प्रयोग होता है एयरबैग। और इसका आविष्कार किया था जॉन डब्ल्यू हैट्रिक ने, याद रखिए जॉन डब्ल्यू हैट्रिक ने इसका आविष्कार किया था। ये सभी साथी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, जॉन डब्ल्यू हैट्रिक ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए भाई, किसने पहले गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के मूल्य को निर्धारित किया था, बताइए किसने पहले जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के मूल्य को निर्धारित किया था, बताइए बताइए किसने पहले जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के मूल्यों को निर्धारित किया था। तो याद रखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 55। तो साथियों याद रखिए लॉर्ड केवेंडिश ने, तो लॉर्ड केवेंडिश करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए सभी लॉर्ड केवेंडिश ने। आगे देखिए केंद्र प्रसारक, केंद्र देखो केंद्र प्रसारक बल किसके द्वारा किया गया कार्य है, केंद्र प्रसारक बल जो है वो किसके द्वारा किया गया कार्य है, बताइए देखो सभी, केंद्र प्रसारक बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, तो जीरो, शून्य, याद रखना सभी जीरो करेक्ट आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जीरो शून्य, ठीक है। आगे देखिए हाइड्रो, हाइड्रोलिज किस प्रकार से संबंधित है, हाइड्रोलाइजिस किस वर्ग से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए हाइड्रोलिज किस वर्ग से संबंधित है, तो ये एंजाइम वर्ग के अंतर्गत आता है, एंजाइम, हाइड्रोलाइजिस जो होता है ना वह एंजाइम श्रेणी का होता है, याद रखिए सभी एंजाइम वर्ग के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, एंजाइम श्रेणी के अंतर्गत। सबसे पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम बताइए, अब केवल दो क्वेश्चन आपके इस क्लास में बचा है साथियों, ठीक है, केवल दो क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि यार फीवर तो चला गया लेकिन जुकाम जो है ना, सर्दी जुकाम, ये दिमाग खराब करके रखा है। चलिए मैं फिर भी क्लास आपको करा रहा हूँ, बंद नहीं कर रहे यार, ठीक है बताइए सबसे पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम बताइए, अब देखो करेक्ट आंसर यहाँ क्या जाएगा, सभी साथी देख लो, पाँच छः क्वेश्चन आप लोग कम ही पढ़िए, 5-10 क्वेश्चन आज यार, कल तक भगवान करे ठीक हो जाए सब कुछ, तो फिर ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। देखो सबसे पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है, तो डॉली, बी करेक्ट आएगा, डॉली, याद रखना डॉली। आप लोग सभी अभी क्लास लाइक करेंगे, लाइव चैट से बाहर निकलकर क्लास लाइक शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, तभी आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए आगे अगली क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए सभी साथी, ठीक है, तो किस रोग टाइफाइड होता है, देखिए सभी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अंशु कुमारी अदरक को घी में भून कर खाइए ठीक हो जाइएगा और तुलसी का काढ़ा पिए, तुलसी का काढ़ा तो ठीक है अंशु कुमारी जी, घी हम पीते ही नहीं है, घी हम खाते ही नहीं है, बचपन से ही पसंद नहीं है, घी तो नहीं होगा, ठीक है घी नहीं होगा यार, बचपन से ही नहीं पसंद है घी। देखो किस प्रकार के घी और दूध, ये दो चीज़ बचपन से ही पसंद नहीं है। देखो किस प्रकार के रोगजनक से जल जनित रोग टाइफाइड होता है, टाइफाइड बुखार होता है, तो याद रखिए बैक्टीरिया करेक्ट आएगा, बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर डी, शुक्रिया अंशु कुमारी जी, संतोष कुमार, रोहन लाल, संध्या देवी, सोनू, विपिन चौहान जी, राजेश रोस, देखो बैक्टीरिया करेक्ट आएगा, किस प्रकार के रोगजनक से जल जनित रोग टाइफाइड बुखार होता है, तो बैक्टीरिया। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक अस्थिर मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी यानी अस्थाई मेमोरी, बताइए इनमें से कौन सी कंप्यूटर की, ठीक है, एक अस्थिर मेमोरी है, बताइए अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अब देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ सभी साथी देख लो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बताइए अमित ठाकुर जी, आपका बात समझ में नहीं आया, क्या लिख रहे हो यार शॉर्टकट में, प्रॉप का लिंक किस 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 क्या बोल रहे हो यार, समझ में नहीं आया, ठीक है राकेश कुमार गौंड जी, क्या लिख रहे हो, मध और मरीच खाइए कल गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा, समझ में ही नहीं आ रहा यार आप लोग कौन सा भाषा में लिख रहे हैं। देखिए कौन सी कंप्यूटर की एक अस्थिर मेमोरी है, तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
याद रखिए, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करिए अमित ठाकुर जी। यार अभी तो नहीं हो पाएगा ना, फिर वो लिंक कॉपी करना पड़ेगा, फिर शेयर करना पड़ेगा, अभी तो नहीं हो पाएगा वो। फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वो आपको बाद में कल शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। गुड नाइट साथियों, स्वीट ड्रीम्स। आज के लिए बस इतना ही, कल सवेरे 8 बजे करेंट अफेयर्स का क्लास करवाएंगे, तैयार रहना आप लोग, ठीक है। अभी आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सभी बिना लाइक किए हुए कोई मत जाना, लाइव चैट से बाहर निकलकर क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ठीक है। विजेंद्र सिंह, गोविंद कुशवाहा जी, पिंकी, संदीप नायक, रेणु राजपूत, विजेंद्र, सोनू, आंचल बीन जी, पिंकी, संतोष कुमार, पिंकी जी टेक केयर, लव यू टू ऑल, आंचल बीन, गोविंद कुशवाहा, जिंदगी एक सपना था, गुड नाइट। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, ठीक है। चलिए, टेक केयर, आप लोग ख्याल रखिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कितने बजे क्लास लगेगी? तो आपकी अगली क्लास लगेगी साथियों कल सवेरे 8 बजे करेंट अफेयर्स का। तो तैयार रहना सभी, आ जाना सभी, अपने अपने दोस्तों को भी लेकर आना, ठीक है। टेक केयर टू ऑल, आप सभी साथी ख्याल रखिए, बिल्कुल, संजीवन चौहान जी। चलिए, टेक केयर, लव यू टू ऑल, कल मिलते हैं साथियों। अभी लाइक शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।